अभी इसमें सुप्रीम मायावती ने अपने स्पीच खत्म किया और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, वो मंच से उतरने वाली हैं। इसके बाद वो अपने विधायकों जो कैंडिडेट हैं उससे बात करती हैं, इसलिए तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए कि सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखा जाता है यहाँ, और मायावती आ रही हैं। और ये देखिए ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको मुरैना से, ये तीसरी बड़ी रैली थी मुरैना में, और बीएसपी पहली बार तक से चुनाव लड़ रही है और चौंकाने वाले नतीजे होंगे। और इसके बाद भिंड जाएंगे, भिंड उनकी रैली है और उम्मीदवारों से बात करेंगी, रैली है उनकी। सतीश चंद्र मिश्रा है सर, ये तीसरी रैली थी, मैसी भीड़ है यहाँ, क्या कहेंगे आप? आप देख रहे हैं, क्या अभी आप लोग के पास है या भागीदारी होगी? बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाएगी। सरकार बनाएगी तो सर गठबंधन में देख लिया भीड़ तो देख रहा हूँ सर, मैंने तीनों में एमपी की रैली देखी है, आज मुरैना की रैली देखी है सर, और छत्तीसगढ़ को लेकर क्या कहेंगे सर, वोटिंग हो चुकी है वहाँ पर भी बहुजन समाज पार्टी। सर ईवीएम को लेकर बहुत शिकायतें आई है वहाँ से, तो घपले चली रहे ईवीएम के, आपने देख ही लिए सर। राजस्थान में बीजेपी में बगावत हो गई है सर। तो सतीश चंद्र मिश्रा हैं और लगातार देश भर में जो रैलियां हो रही है उसमें शामिल हो रहे हैं, और बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रैली दिखा रहा था आपको सीधे यहाँ से, तो लगातार सिक्योरिटी के हिसाब से देख सकते हैं, और ये बड़ी रैली है। सीधे तस्वीरें हैं, कैंडिडेट है ये सब के सब मुरैना से, और इस बार चौंकाने वाले नतीजे आपको मिल सकते हैं 11 दिसंबर को। मध्य प्रदेश में बीएसपी बड़ी की प्लेयर बन गई है, और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तीसरी रैली है, कल भोपाल में रैली थी यहाँ से, उसके बाद भिंड में रैली होगी, कल दो रैलियाँ हैं, परसों भी दो रैलियाँ हैं, तो 8 मैसिव रैली है। भीड़ के लिहाज से बात करें तो बड़ी संख्या में लोग रैलियों में जुट रहे हैं, और जिस तरह से एक बार बहुजन अलायंस की बात हो रही है, CST OBC माइनॉरिटी के लोग जुट हो रहे हैं, सतीश चंद्र मिश्रा है, सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था रहती है, और ये तमाम उनके 8 कैंडिडेट हैं, और काफ़ी संख्या में भीड़ आपको दिखाई है, भीड़ के हिसाब से बात करें तो मैसिव रैली है। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती की पहली ग्वालियर रीजन में ये पहली रैली है, इसके बाद वो सिक्योरिटी देखिए, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको काफ़ी करीब की, सतीश चंद्र मिश्रा हैं, और लगातार जिस तरह से कैंडिडेट हैं सब बीएसपी के कैंडिडेट हैं, 8 लोग कैंडिडेट हैं मुरैना की, और मुरैना के 8 कैंडिडेट हैं, बीएसपी सूत्रों ने कहा कि मुरैना से 8 कैंडिडेट को जिताने का उन्होंने भरोसा किया सतीश चंद्र मिश्रा हैं। तस्वीरें सीधे दिखा रहा हूँ आपको मुरैना से तस्वीरें दिखा रहा हूँ, बीएसपी के 8 कैंडिडेट हैं, और मायावती जी हाउस घर में रेस्ट रूम में है, वो अभी निकलेंगे, और सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं, तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको मुरैना से, लाइव तस्वीरें हैं, 8 कैंडिडेट हैं, और ये सतीश चंद्र मिश्रा हैं, उनसे बातचीत भी करने की कोशिश की है, अभी उससे लोग निकलेंगे, अंदर निकलेंगे अब। ये कैंडिडेट हैं मुरैना के ये लोग, और 8 कैंडिडेट हैं, और बड़े मैसिव तरीके से भीड़ के लिहाज से बात करें तो काफ़ी भीड़ आ रही है, और जिस तरह से यूपी में उपचुनाव के दौरान फुलपुर हो, गोरखपुर हो, या मुजफ्फरनगर हो, उन्होंने वापसी की है, उसके बाद अलायंस की राजनीति, गठबंधन की राजनीति की तरफ बढ़ी है। कर्नाटक में गठबंधन के नतीजे आए थे, बीजेपी कांग्रेस दोनों को बहुमत नहीं मिला था, उसके बाद कम विधायक होने के बावजूद भी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने थे, ये सारे नतीजे हो सकता है, इस तरह के नतीजे आपको छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में दिखे, क्योंकि अगर 40 से 50 सीटें, 30 से 35 सीटें भी बीएसपी लाती है
तो की प्लेयर होगी और उसके पास चाबी होगा। और बीएसपी पूरी ताकत लगा रही है, मायावती 8-8 रैलियां कर रही हैं तीनों राज्यों में, और इसे साफ है कि काफ़ी सेंसिटिव है, इसको 2019 के लिए सेमी फाइनल माना जा रहा है। साफ साफ मामला है कि अगर कांग्रेस जीतती है तीनों चुनावों में तो फिर वो गठबंधन की तरफ बात नहीं करेगी, अगर वो फंस जाती है, अगर उसके बहुमत नहीं आते हैं तो फिर कांग्रेस के लिए 2019 में पीएम कैंडिडेचर का जो राहुल गांधी का सपना है वो भी खत्म होगा और उसे बीएसपी की तरफ बढ़ना पड़ेगा, गठबंधन करना पड़ेगा। और शायद यही वजह है कि मायावती पूरी ताकत लगा रही हैं और बड़ी बड़ी रैलियां कर रही हैं और पहली बार लग रहा है कि बीएसपी जो है वो ताकत से चुनाव लड़ रही है। तो बड़ा फैक्टर है 2019 के लिहाज से कि अगर दोनों राज्यों में बीएसपी की इस तरह की हालत होती है, अगर वो कर्नाटक वाली हालत कर पाएगी, अगर वो फंसा पाएगी पूरे खेल को, तो वो जरूर जीत की फैक्टर होगा 2019 के लिए। और अगर कांग्रेस जीतती है तो फिर मुश्किल हो जाएगी बीएसपी के लिए, लेकिन अगर कांग्रेस फंस जाती है तो वो गठबंधन करने के लिए मजबूर हो जाएगी। और ये बीएसपी सुप्रीमो मायावती हैं और ये देखिए कि 800 कैंडिडेट हैं, जो आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तो ये नेशनल दस्तक की एक उपलब्धि है कि बीएसपी के जितने कार्यकर्ता हैं उनको जानते रहते हैं, तो ये एक बड़ी बात है। और काफ़ी करीब से आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। अदर सिंह राउत हैं, वो इस जो इलाके के प्रभारी हैं वो अंदर गए हैं, और सीधे आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। देखिए कि सिक्योरिटी को लेकर बहुत चाक चौबंद व्यवस्था होती है। बीएसपी सुप्रीमो का भाषण हुआ है और बहुत क्रूशियल चुनाव है 2019 के लिहाज से बात करें। अगर बीएसपी कांग्रेस और बीजेपी दोनों को अगर फंसा के रखती है, अगर बहुमत नहीं मिलता है, खासकर कांग्रेस अगर को बहुमत नहीं मिलता है, तो वो 2019 के चुनाव में गठबंधन करने के लिए मजबूर हो जाएगी, ऐसे करना पड़ेगा गठबंधन। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो सीधे तस्वीरें दिखा रहा हूँ, तो जो कैंडिडेट हैं वो जा रहे हैं, जो सारे कैंडिडेट हैं वो जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बैठक होने वाली है, सुरक्षा की काफी। तो ये कैंडिडेट जो है वो जा रहे हैं, तो उन्होंने अभी ग्वालियर और मुरैना के जो कैंडिडेट हैं उनसे मुलाकात की है और अब वो निकलेंगे यहाँ से। भिंड में एक दूसरी रैली है, एक दिन में दो रैलियां होती है बीएसपी सुप्रीमो की, और दूसरी रैली है और वो नेताओं से मिल रही है, पार्टी समर्थकों से मिल रही है। और भिंड मुरैना के जो 8 कैंडिडेट थे, जो कैंडिडेट हैं उनको सिक्योरिटी का बहुत इंतजाम होता है वहाँ। पूरी गहमा गहमी दिखा रहा हूँ, सिक्योरिटी को लेकर बहुत इंतजाम होते हैं, लोग मिलने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भी नेता हैं, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहा हूँ। अब इसकी सुप्रीमो मायावती अपनी है और ये है, ये देखो पूरी सिक्योरिटी है और
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।